रवि दीदी जी कॉल किया। रवि जीजा जी बना रहे हैं कुछ साबूदाना बना रहे हैं। अभी डॉक्टर बोले हैं दीदी के लिए। अच्छा, साबूदाने की खिचड़ी बना के लाओ। ये क्या है इसमें? ये शेंगा है, बादाम जो बोले। अच्छा अच्छा, इसको पीस लिया, भून के इसको पहले डालने और नमक मिर्ची डालने और डालने। ओके, तो ये तेल के बाद ही इसमें घुसा देना। चावल भी देना क्या? लाल मिर्च इसी में होगा। हाँ, ये तो मिर्ची नहीं मसाला है। ये मिर्च नहीं मसाला है। मिर्च का मसाला है। हाँ, मिर्च का मसाला वही। हाँ, मिर्च होगा गोटा वाला। लाल मिर्ची पाउडर। हाँ, पाउडर है। तो इधर से इसमें चावल भी डालेंगे ना क्या? चावल नहीं, बोले खिचड़ी बनाएंगे। नहीं, साबूदाना खिचड़ी, मतलब सिर्फ साबूदाना डालना बस। अच्छा, ये जो फास्टिंग वगैरह उपवास में खाते हैं ना। हाँ, वो वाला। पर ये साबूदाना बनता है क्या सुनिए? ये मेरे को भी नहीं पता साबूदाना क्या। पर खाने से भी बोलते फास्टिंग में लोग यही खाते हैं। और इसको फिर अभी चाहेंगे तब ले जाएंगे इसको। जी, चावल वगैरह तो हो गया, सब भी ले जाएंगे। आपका दीदी चावल अंजलि चावल बना दिए। चावल बना तो थोड़ा पानी ज्यादा हो गया। ज्यादा हो गया? उस टाइम आपको ढूंढे थे, आप नहाने चले गए थे। दोस्तों, सुबह सुबह का वक्त है और जल्दी से पूरा खाना भी इधर बन चुका है। अंजलि ने बना दिया और मैं बना रहा हूँ चाय, मेरी फेवरेट चाय। चाय के बगैर मेरा होता नहीं। और साबूदाने की खिचड़ी भी मैंने बना दी, क्योंकि तो डॉक्टर मैडम ने बोला था कि साबूदाने की खिचड़ी भी थोड़ी लेके आनी। तो अभी चलते हैं थोड़ी देर में हॉस्पिटल। जीजा जी और अंजलि दोनों अकेले अकेले खा रहे हैं, हमको छोड़ के बाजी हैं। आप हमेशा हम ही क्यों छोड़ते बताना। आ जाओ ना, आ जाओ। मैं तो आने के लिए रेडी हूँ। अरे बाबा रे, अच्छा खासा वैरायटी चीज बनाया जी। और टिफिन था ना जी, इसी में भर के लेके जाइएगा। हां, इसी में खिचड़ी अभी जाएगा। तो ये वाला, ये भी तो टिफिन है, इसमें भी तो ले जा सकते हैं। इसमें अच्छा रहेगा। अच्छा, पूरा आ जाएगा। हाँ हाँ, इसमें पूरा नहीं आएगा। राम राम दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं गणेश जी, ये सावित्री कुमारी ऑफिशियल में स्वागत है आज साबूदाने की खिचड़ी के साथ। कल डॉक्टर मैडम बोले थे कि इनको सुबह सुबह दाल रोटी साबूदाने की खिचड़ी और थोड़ा सा दाल चावल वगैरह खिलाओ। आज से इसका खाना चालू हो गया। कल भी थोड़ी सी पतली खिचड़ी खिलाई थी हमने, तो इसलिए आज मैंने सुबह सुबह मॉर्निंग में साबूदाना बनाया और इसलिए साबूदाना लेके आ गया, साबूदाने की खिचड़ी। तो पीछे देखिए, सब साबूदाना की मजा ले रहे हैं। एक भैया खराटा ले रहे खाएं, कितना खाएंगे? सुबह एक कटोरी लेके खाए हम। झूठ बोल रहा, नहीं खाए कटोरी। खाई तो, खाई थी, बता दो। हाँ, हम उतना खाए थे, उतना खाए थे हम भी आपके साथ। हमेशा लड़ते रहते ये लोग, लेकिन लड़ाई में बहुत प्यार है इन लोग का। कैसे बनी बताओ? सही थी नहीं, बहुत ज्यादा खराब नहीं, खराब हो गई। अभी अंजलि मालिश करके गए। ब्लड, हाँ ब्लड सूखती हूँ। अभी अंजलि मालिश करके गए। और इधर सब बैठे हैं हम लोग। इधर आइए, पानी पिलाए। हाँ, पानी तो पिलाए। तो इधर से मम्मी देख रही है और देखकर बड़े खुश हो रहे हैं अपने बाबू को। तो दोस्तों, इधर से मम्मी ने जब देखा पहली बार, तो अपने इस बेबी को देख के इतनी खुश हो गई कि उसके एक्साइटमेंट का कोई पता ही नहीं। फ़ोन पर, क्योंकि पहली बार ही देख पाई मम्मी। अभी तक तो कैसा फ़ोटो में देखी, फ़ोटो में देखना और फ़ोन पे देखना काफ़ी फ़र्क है। और देखने के बाद तो उनके उत्साह का कोई समाप्ति नहीं थी, इतने उत्साहित हो गए कि पूछो मत। जब मम्मी ने ये पहली बार फ़ोन पर देखा, तो फ़ोन पर देखने के बाद बड़ी खुश हो गई। और मम्मी के साथ साथ दीदी, जीजा सभी देख रहे थे फ़ोन पर बेबी को। तो देखने के बाद बेबी को इतना खुश हुए, जीजा भी खुश हुए, दीदी भी बहुत खुश हुई। ऐसा लग रहा था कि जैसे उनकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। और सही में ये सही बात है कि बच्चे को कोई देख लेता, छोटे बच्चे को, तो उसको उठाने का मन करता, बड़ी खुशी होती। हमको भी बहुत मन करता उठाने का। और कोई भी न्यू बेबी रहे, बाबू रहे, जो भी रहे, हर एक का मन करता कि छोटे बच्चे को उठाने का। तो दादी भी वही देख के खुश हो रही थी कि मैं कब उठाऊंगी अपने बेबी को।
दोस्तों इस तरीके से देखा कि हमारी मम्मी ने भी जब पहली बार इस बेबी का चेहरा देखा तो वो भी काफी खुश हो गई। फोटो से ही पहले जब दो दिन पहले फोटो भेजा था तो फोटो से ही बहुत खुश हो गई थी। तो फोटो भेजने के बाद उनका फोन आया तो मैं कुछ बात नहीं कर पाया। और फिर बाद में जब कल जब हमारी बात हुई, जब इनका ट्रीटमेंट ठीक से हो गया, ये ठीक हुई, तो उनका जब चेहरा पहली बार देखा तो काफी खुश थे। और मेरी सिस्टर भी बहुत खुश थी, जीजा ने देखा उनको भी काफी अच्छा लगा। तो फैमिली बोले तो एक परिवार जो रहता, परिवार इस दिन के लिए तरसता। और जब ये मतलब एक माँ को ये पता है कि किस दर्द से गुजर के एक बेबी को जन्म दिया जाता है, और जब एक बेबी को जन्म दिया जाता है तो उसके बाद वो माँ जो है मतलब जैसे अब वो दादी बन गई, तो वो भी तो एक माँ ही थी ना, तो उसने वो देखा तो उसको भी काफी अच्छा लगा कि चलो मतलब ये जो कुल है, परिवार है, वो बढ़ रहा है ना। तो ये देख के उनको भी काफी अच्छा लगा और मेरे को भी बहुत समाधान हुआ कि पहली बार मैंने उनको अपना बेबी का जो है फोटो दिखाया और व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल पे उनकी बात करवाई तो उनको काफी अच्छा लगा। तो ये बहुत मिक्सचर को बहुत मिस कर रहे थे, तो मैं बोला ढूंढते आखिर मुझे मिल गया। मैं बोला कि आपके महाराज से हमारा धनबाद कम नहीं है, ढूंढते कम नहीं, बिल्कुल कम नहीं, काफी अच्छा है। और मुझे ये मिल चुका है, दाल मसाला काफी अच्छा है। और अभी हम सब थोड़ा थोड़ा इसका बाद में टेस्ट करेंगे घर जाके। और ये चश्मा कैसा लग रहा है? बढ़िया है, अब तो साउथ वाला हीरो लग रहा है। साउथ वाला माल में आके ऐसे कंफ्यूज हो गए, क्या ले क्या नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अंजलि ने झोला ले लिया पर मुझे कुछ लिया नहीं है। अभी लेते हैं कुछ, देखते क्या लेना है। जो सामान लेना था ले लिए, ले लिया मैंने। देखिए ये कलर भैया पसंद किए, दीदी के दो नाइटी ले ली क्योंकि अभी उनको ढीला डाला पहनना है ना, इसीलिए दो नाइटी ले ली। बाजार से चिले सामान लेना इनको CTG 2-3 बार चेक करना पड़ा। और चेक करने के बाद उसके बाद इंजेक्शन दिया गया दर्द का, और इतना हेवी डोज दिया गया कि ये खुद अपने आप को संभाल नहीं पा रही थी। और एक टाइम तो ये खुद ऐसा बोले कि अब मेरे को जीना ही नहीं, इतनी बुरी हालत हो गई थी। और इतनी बुरी हालत होने के बाद हम कहाँ से घर में कहीं फ़ोन करते या किसी का फ़ोन उठाते, करके मैंने कोई फ़ोन नहीं किया, कहीं फ़ोन उठाया नहीं, किसी से कुछ बात नहीं की। और हमारे घर के फोटो भेज, हमारे घर के भी काफ़ी चिंता में थे, बस एक फ़ोटो उनको भेज दिया था तो वो बड़े फोटो से ही खुश हो गए थे कि चलो बेबी तो हुआ, कैसा भी हुआ, कौन हुआ, चलो बेबी हो गया। तो बस फिर वो बेबी को देखने के लिए बड़े उत्साहित थे, तो उनका फिर फ़ोन पर फ़ोन आने लगा, तब भी मैं नहीं उठा पाया क्योंकि फिर इनकी तबीयत डिलीवरी के बाद काफी खराब हो गई। फिर ऑक्सीजन बार बार, फिर ऑक्सीजन बार बार दे रहे, डॉक्टर बार बार आ रहा जा रहे दिन में। यहाँ की ट्रीटमेंट भी काफी पसंद आई मेरे को कि हर 10-15 मिनट में एक नर्स आती है, चेक करते हैं, फिर एक वार्ड बॉय आता है वो चेक करता है ना। काफी यहाँ की सिस्टम काफी अच्छी है और बिल्कुल तकलीफ नहीं है किसी की तरफ से, काफी अच्छे से सब लोग ट्रीटमेंट करते हैं। और इसी दौरान ऐसी ट्रीटमेंट चलती रही और इनका, लेकिन फिर भी तकलीफ कल बहुत बढ़ गई थी शाम को, तो फिर ऑक्सीजन वगैरह दिया और फिर डॉक्टर आया, उन्होंने कुछ इंजेक्शन ये वो दिया, तो उनसे इनकी ट्रीटमेंट करने के बाद इनकी थोड़ी हेल्थ आज अच्छी लगी। तो फिर मम्मी का जब फोन आया तो उन्होंने मम्मी से बात करके ये हमारे जो बाबू है, बेबी है, इनका चेहरा उनको फोन पे दिखाया तो काफ़ी खुश हो गए। और ये खुशी सभी परिवार के हर व्यक्ति को ये खुशी रहती है कि एक ना एक दिन ये देखने के लिए, सभी ये दिन देखने के लिए तरसते हैं, दादी को भी। बस इसी तरीके से ये खुशियाँ इस तरीके से सारे की जीवन में आती रहे, सब हंसते मुस्कुराते रहे, बस इसी तरीके से सब चलता रहे। इसी के साथ बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, जय महाराष्ट्र, जय झारखंड।